दोस्तों ये देखो, ये है आरसी यानी कि रॉयल कैनल। मैक्सी स्टार्टर है। मैक्सी स्टार्टर का क्या होता है, ये जो दाने होते हैं ना, ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो पप्पी के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये डाइजेस्ट बढ़िया तरीके से कर लेते हैं और लूज मोशन वगैरह नहीं लगता, एकदम बढ़िया तरीके से खाते। तो ये मैं एक जर्मन सफर्ड को दे रहा हूँ पप्पी को। तो ये क्या है, इतना बहुत है क्वांटिटी, इसमें बस 20 से 25 दाने हैं और ये पानी, गर्म पानी में मैंने 15 मिनट डाल के रखा है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया। देखो तो इसको मैंने हाथ से पहले पूरा मैश कर दिया, ये देखो पूरा मैश हो रहा है ना, ये हाथ से इसे हाथ से मैश करके अब ये देखो बिल्कुल ऐसा हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी भी रहने दिया जो बिल्कुल सूखा ना रहे। और ये देखो मैं पप्पी के पास रखूँगा ना, कितने चाव से खाएगा, ये देखो बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा डॉग के वेट भी बढ़ता है, तो ये देखो कितना बढ़िया तरीके से खा रहा है, ये देखो। ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है फ्रेंड, फुल लॉन्ग कोट है। बाल वगैरह आप लोग देख रहे हो, उसके पूरे बाल आए हुए। मैं परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि देखो ये खाना खा रहा है, खाना खाते हुए किसी को परेशान नहीं करते। तो ये जो शुरू के होते हैं ना, तीन चार महीने रॉयल कैनल पे ही रखता हूँ पप्पी को, क्योंकि रॉयल कैनल से क्या है, इसके सारे विटामिन्स वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं, ग्रोथ भी बढ़िया होता है। और जो बचपन में देखते हो ना, ये पूरा टैन होने लगता है, डार्क कलर आने लगते हैं, क्योंकि लाइन जो है, पेरेंट्स तो इनके डार्क है, ये भी धीरे धीरे डार्क होने लगते हैं, क्योंकि डॉग में कुछ कमी नहीं होगी ना, तो उसके बिल्कुल ये जो बाल अभी देख रहे हो, ये सारे शाइनिंग में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो देखो कितना प्यार से खा रहा है ये। और ये जो है, ये फ्रेंच बुलडॉग के बच्चे हैं, ये देखो ये भी बिल्कुल कटोरा, बिल्कुल बाउल जो है इसका बिल्कुल चाट गया है, मेल फीमेल दोनों है, ये देखो। अब इसको क्या है, थोड़ी देर हम धूप में रख देंगे, अब इन्होंने क्या करा, अपना तो खा के आ गए, अब ये इनके भी खा रहे हैं, ये देखो इनके भी खा रहे हैं। और फेस वेस सब चीज़ गंदा कर लिया, इतने एक्साइटमेंट में खाते हैं ना ये, पेट देखो। तो फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंच बुलडॉग का बच्चा है, ये देखो फ्रेंच बुलडॉग का बच्चा है, फीमेल है और ये मेल है, ये देखो ये क्वालिटी है। आप में से अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये देखो ये बहुत गंदा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, वाइट कलर है ना, ये ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। तो क्या है, अभी इसको फ्रेश करेंगे। एक तो मेरे यहाँ पे जो क्या है, ये टिक्स के ना यार, पता नहीं कहाँ से टिक्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पप्पी के लिए ना टिक्स स्प्रे कैसे लगाते हैं, अगर टिक्स वगैरह आते हैं तो कैसे इसको बचाएंगे, ये हम दिखाएंगे। क्योंकि अगर अभी से नहीं निकालेंगे ना, तो गर्मी आते आते क्या है, टिक फीवर होने का बहुत 100% चांस हो जाता है, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है ये चीज़। एक इसे देखो, इस महाराज को देखो, ये देखो ये जो डंबल है, ये मेरे लड़के ने रख दिया है, ये जर्मन से पड़ा लॉन्ग हेयर का। तो आप में से परचेज करना चाहते हैं कोई तो कर सकते हैं, ये बहुत एक्टिव है।